हमने गाड़ी ले ली है और अपन जा रहे हैं इधर अभी एक चर्च। फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब लोग? भाई सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है अपने ब्लॉग की। हम लोग आए थे गाड़ी रेंट करने, अपनी स्कूटी लेके निकलेंगे अब घूमने के लिए। कौन सी ले रहा है? ब्लैक वाली ना। क्या हमने गाड़ी ले ली है और अपन जा रहे हैं इधर अभी एक चर्च दिखेला है और यहाँ से अभी जाएंगे हम लोग को ये मेन रोड जाना है, ठीक है? तो इधर से अब जाएंगे हम लोग अपनी असली डेस्टिनेशन पे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, अब ऊपर जाते हैं। जबरदस्त अब नहीं जाने देते थे, नो एंट्री लगा दिए, पहले जाने देते थे मालूम है। मजा आ गया भाई यहाँ तक आने में और अभी चर्च के पास आ चुके हैं। अभी चलते देखते ऊपर तक कितना जाने मिलता है। इमेश चलो ऊपर। ये यहाँ तक ही आने का अलाउड है, यहीं पे सब लगाते, उसके बाद नहीं जाने देते। जबरदस्त व्यू है यहाँ से, क्या बात है, जबरदस्त व्यू है। चर्च का व्यू देख रहे हो? ओहो गजब, आज तक पिक्चर में ही देखे थे, मजा आ गया आज देख के। चर्च जबरदस्त व्यू है भाई, लेकिन अभी क्राउड उतना नहीं है यहाँ पर, क्राउड थोड़ा कम है यहाँ तो। हो सकता है आज, वैसे तो आज क्या है, फ्राइडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे शायद से क्राउड रहता रहेगा ज़्यादा। चलो और घूमने का भी, इधर पे वो कलरफुल वाली बिल्डिंग आप सबने देखा होगा ना, कलरफुल वाले घर, अभी उधर जाते अभी आ जाएगा अपने को, राइट अभी मारना पड़ेगा। फाइनली गोवा की वो फेमस गली जिधर कलरफुल घर है सब, इट्स अमेजिंग। ज्यादा चिल्लाने बोलना मना है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करने का। हाँ हाँ क्या बात है। वैसे ये खास इसलिए है क्योंकि ये यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। अब मेरे को जितना पता है, अगर मैं गलत रहूँगा तो आप बताना, वैसे तो मेरे को इतना पता है कि वर्ल्ड हेरिटेज में आता है क्योंकि इसको पोर्तुगाल के टाइम पर बनाया गया था। बहुत अच्छी यूनिक प्यारी सिटी है। हमने जूस का ऑर्डर दे दिया है, थोड़ा जूस वूस पीते, एकदम गला सूख गया है। क्या बोलता है मैं? बाकी मज़ा आ रहा है कि नहीं घूमने गोवा? कैसा लग रहा है ना?
मैं इसलिए बारिश में आया था, बहुत अच्छा था मौसम, ठंडा, बहुत पसीना आ रहा है भाई। ओ, कितना जूस पी चुके अब तक आपने? इतना पी चुके साला, गिनती नहीं है जूस भाई। जूस हाँ भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, एक मिनट में, मतलब वो वाला जूस नहीं है, असली वाला जूस। बहुत जूस पी चुके हैं, कम से कम इतना पी चुके कि पूछो मत, गिनती नहीं है। सही बात है, बहुत पी चुके, इतनी गर्मी है। और अभी हम फिर रुके जूस की दुकान पे, जूस पीने ही है, प्यास लग रही है भाई, बहुत गर्मी है। आ चुके, बहुत फेमस यहाँ का चर्च है, बहुत ओल्ड बोला जाता है, बहुत पुराना चर्च है ये। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा अभी, कुछ तो नाम था, बहुत ही अच्छा व्यू। वहाँ पर भी एक है चर्च, और ये रहा एक चर्च, अभी जा रहे देखने वहाँ पर, देखते कैसा है। अरे गेट ही बंद है, अंदर जाना है कि नहीं? अरे उधर से जा रहे लोग, चलो देखते हैं अंदर जाना अलाउड रहता है कि नहीं, देखते हैं। क्योंकि हम लोग चड्डी पहन के आए हैं, मतलब शॉर्ट्स पहन के आए हैं, क्या मालूम, क्योंकि कहीं कहीं अलाउड नहीं रहता ना शॉर्ट्स पहन के जाना अंदर। ये है, ये लिखा हुआ है नाम चर्च का, इसके बारे में पूरी सारी डिटेल है, कब बना था, कब है भैया। ये है वो चर्च, कुछ ऐसा इस तरह से नजारा था वहां पर भी, शायद वो भी चर्च ही है मेरे को लग रहा है। ये भी है, ये तो बहुत पुराना चर्च है, कुछ 1500 के आसपास बना था। वेस्ट सेक्शन इधर अलग है, ये होटल में इधर है प्योर वेस्ट सेक्शन। अब देखते हैं इधर क्या है खाने लायक। गजब का सीन हो गया हमारे साथ, लेकिन एकदम मस्त सा व्यू है सामने की तरफ। और सीन क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, सीन कुछ ऐसा हो गया है कि साला मेरा फ़ोन ही बंद हो गया, और वो भाई के यहाँ से मैंने सामान खरीदा और नारियल पानी उनी पी लिया और फ़ोन बंद हो गया। ये दूसरा फ़ोन है, तो आईफोन है, इसमें सिम कार्ड उम कार्ड नहीं लगाया हम लोग कुछ भी, तो इसको तो खाली क्या रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, मेन काम उसी से होता है। अब दिक्कत क्या हो गया कि वो बंद हो गया, अब उनके यहाँ चार्जिंग पर रखा है, अब हो जाए तब यहाँ से पेमेंट वेमेंट करके निकले। हो चुका भैया पोपट, फोर्ड का जो था एंट्री फीस थी पार्किंग का, तो और हमारा फ़ोन तो बंद हो चुका है, प्लस हमारे पास अब कैश भी ख़त्म हो गया है, तो एटीएम भी यहाँ कहीं नहीं है। एटीएम कितना दूर बोला उसने? बहुत दूर है भाई एटीएम। मैं बोला अब क्या करें, अब रिटर्न चलते, क्योंकि वैसे भी हमारे फ़ोन में भी चार्जिंग नहीं है। अब हम लोग आएंगे ये फोर्ड देखने कल आएंगे और ये फोर्ड देखेंगे। कोई तो जगह थी मस्त सी, तो हम लोग रुक गए थे यहाँ पर। अब हमारे पास पैसा वैसा रहा नहीं है, तो हम सोचे इसको रस्सी से बांधो, ये एकदम ढलान वाला रास्ता तो है ही है। ये बंगाल में कितने बहुत मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, फोर्ट वोट तो घूम ही लेंगे। देख रहे फिरंगी लोग को, अरे बाप रे बाप, गजब गजब फिरंगी दिखते हैं भाई यहाँ पर गोवा में। मुझे देख रहे हो, तोप ओप रखा है भाई, ये उस जमाने वाला है कि ऐसी है भाई, लेकिन उसी जमाने का है भाई। गया भाई नकली है बे, उस जमाने का नहीं है, नकली है। हाँ अबे ये देखना,
नहीं बे असली है। तो अंदर गोला देखो पड़ा है। गोला है ना अंदर, है क्या उधर? मारेंगे जल जाएगा अभी। चलो चलो अभी आप वीडियो वीडियो ही तो बना रहा हूँ। अरे तो तेरा क्यों बनाऊ, मैं फोड़ के ना बना लू इससे अच्छा। देखो यार क्या मस्त रास्ता है, क्या जंगल है एकदम। ओहो अजब भाई, अजब। अगर कोई प्लानिंग कर रहा है फोर्ट आने की तो भाई 50 रुपये पार्किंग का है और 25 रुपीज़ फोर्ट का फ़ी भी है। लेकिन मैंने देखा था फ़ी तो फ्री है, मतलब फ्री है फोर्ट में जाना। अब ये तो भाई सुना हुआ आगे पसी। तो हम आ चुके हैं टीटोस लैंड और चलो फिर आ जाओ बागा बीच। हम लोग आ गए बागा बीच, अब जा रहे हैं बागा बीच पे। बागा बीच अपनी पार्टी के लिए, अपने नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस है। अभी जा रहे, बहुत आवाज आ रही, बहुत गाने बज रहे हर जगह से। लाइन से खाली रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है पूरा, वहां तक यहाँ पर भी पूरा वहां तक रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है खाली। फुल पार्टी है यहाँ पर, डांस करने वाला भी है। लेकिन वो शायद से बहुत कहीं तो है, आगे है या तो यहाँ है। भैया जबरदस्त पार्टी शार्टी चालू है। ये है अपना बागा बीच, बहुत फेमस है पार्टी शार्टी के लिए, एकदम खतरनाक। सब कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं, फुल कैंडल लाइट जलाया हुआ है। बड़ा मॉल सेट हुआ है भाई, बागा बीच इसीलिए फेमस है। लगड़ा मॉल है कि नहीं? मेरा तो सेकंड टाइम है, इमेज का फर्स्ट टाइम है। मजा आ गया इसको भी। हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, बहुत जबरदस्त मॉल है पूरा। हर जगह डीजे बज रहा है, वहाँ बज रहा है, यहाँ बज रहा है, सब गाने मिक्स हो गए यहाँ पर, एक दूसरे से मिक्स हो गए यहाँ पर सारे गाने। लेकिन मजेदार माहौल है भाई। कहाँ घूम रही हो? अरे ओ गोवा पार्टी करने आई हो? भाई हम लोग चश्मा उश्मा पहन के बैठ चुके हैं। कहा के कौन जाने बोलता है भाई, इसमें भी जगह नहीं, इधर साइलेंसर है, गरम गरम चटके पड़ रहे हैं। अब बताओ इसको निकाल लू भाई साला। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।